31 जुलाई को नूह में फैली हिंसा के बाद जहां एक तरफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का नाम इस हिंसा को भड़काने में आ रहा है। दरअसल हिंसा में मारे गए बजरंग दल के नेता प्रदीप कुमार के साथी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद ने हिंसा के दौरान ये कहा था कि इन्हें मार दो, बाकी मैं देख लूंगा। गत 31 जुलाई को नूह में हिंसा भड़कने के बाद हरियाणा के बाकी राज्यों में भी हिंसा फैल गई थी। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जावेद अहमद के राजनीतिक संबंध का जिक्र किया। नूह में विश्व हिंदू परिषद के जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ के हमले के बाद हिंसा भड़क गई, जो कि बाद में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों तक फैल गई थी, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 इमाम सहित अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सोना रोड पर हुई हिंसा में प्रदीप कुमार बजरंग दल के नेता की जान चली गई थी, जिसमें उनके साथी ने बयान दिया है कि वारदात में जावेद अहमद का हाथ है, जो दरअसल आम आदमी पार्टी का हरियाणा इकाई का नेता है। नूह हिंसा और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की हत्या मामले में आप नेता जावेद अहमद को नामजद कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि वो दरअसल वहां मौजूद ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद ने नूह हिंसा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की हत्या में शामिल होने के आरोप से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी की हैं, जिनमें वो नजर भी आ रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो 100 किलोमीटर दूर थे। अहमद ने आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जावेद अहमद ने ये कहा है कि नूह मामले पर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अहमद ने यह भी दावा किया है कि उनके पास उन टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिन्हें उन्होंने पार किया था और वो उस वक्त जिस वक्त हिंसा भड़की थी राज्य में थे ही नहीं।